ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां आज उन्होंने लखनऊ में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने 67 जिला पंचायत से 48 ब्लॉक प्रमुखों को संबोधित किया। इस सम्मेलन के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई नेतागण मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने 2022 के चुनाव को लेकर कहा कि 67 जिला पंचायत और 648 ब्लॉक प्रमुख बनाकर बीजेपी ने इतिहास रचा है और अब चुनाव आप सबके हाथ में है। उन्होंने सभी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्यों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा है कि 2022 में भी कमल खिलाना है। वहीं इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सभी का उत्साह वर्धन किया और विपक्ष पर निशाना भी साधा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमसे कई बार लोग पूछते हैं कि ताली थाली बजाओ का अर्थ क्या है। मैं कहता हूं कि तुम क्या जानो इसका अर्थ क्या है। अगर समझ में आ जाता है तो आपका राजनीति में ये हाल नहीं होता। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज इज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर खड़ा है। आपको बता दें कल राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबह आगरा पहुंचेंगे और डॉक्टर्स के एक सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। अमेठी मुसाफिर खाना में बदमाशों ने एक युवक को अज्ञात कारणों के चलते गोली मार दी। गोली युवक के कंधे में लगी जिससे युवक घायल हो गया। वहीं घायल युवक को मुसाफिर खाने के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया। वहीं जब बदमाशों ने युवक को गोली मार के भगाने की कोशिश की तो वहां मौजूदा ग्रामीणों ने तीन बदमाशों को पकड़ लिया और जमकर उनकी पिटाई कर दी, जिसके बाद तीनों बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। घायल युवक बैंक ऑफ बड़ौदा का फ्रेंचाइजी संचालक है, जिसे अज्ञात कारणों के चलते गोली मार दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो अमेठी का ये पूरा मामला, जहां पर बदमाशों ने युवक को गोली मार दी जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। मैं मुसाफिर खाना मार्केट में था, ठीक ना, मैं काम से आया था तो मेरे वे घर से फ़ोन आया कि मेरे भाई के ऊपर गोली चली है। मैं यहाँ से जब जैसे भाग के गया, रास्ते में फ़ोन किया, पता लगा वो लोग बैंक के पास थे। मैं वहाँ जब पहुँचा तो सब लोगों ने उनको घेर रखा था। उसके बाद जब मैं उनके पास गया तो उनके पास तीन जो है असलहा, लगभग 6 या 7 गोली उनके पास मिली और लगभग 3 फायर उन्होंने मेरे भाई के ऊपर किया था। हैं, और पकड़े जाने पर उन्होंने बताया जो है अपना पता, मवाई पता नहीं कहाँ का नाम बताया है, ठीक ना। उसके बाद में जो है वो ये भी बताया कि मैं लूट के लिए आया था और किसी ने उनको भेजा था, ठीक ना। उसका नाम उन्होंने नहीं बताया, ठीक ना। कितने जन थे और क्या? तीन लोग थे 315, ठीक ना। तीन थी उनके पास और 3 फायर उन्होंने भाई के ऊपर किया। क्या कुछ लूट भी किया है? क्या लूट भी किया है कुछ? हाँ, लूट जरूर भी किया है कुछ ना कुछ। सर, हम पंचायत घर पे पंचायत नपवा रहे थे रिपेयर के लिए। गांव वाले कुछ के रोड पे बोले कि गोली मार दिए मुतुंगे को। हैं, तो मेरा छोटा लड़का था, उसके साथ हम भागे तो मुतुंगे मिले, बोले भैया गोली मार दिए। तो हम बोले कि जाओ भाई पहले दवा कराओ, लेकिन पब्लिक उनको गेर रखा था। ये जो गोलीकांड है क्या किस मामले को लेके है? ये फ्रेंचाइजी खोले हैं, 2-3 लोग पैसा निकाले। आज लगभग 10:15 बजे ग्राम भीखीपुर में, जहाँ जन सेवा केंद्र था, वहाँ पर 3 बदमाश आए और उन्होंने वहाँ से लूट का प्रयास किया। इसमें 54,000 रुपये वहाँ रखे हुए थे काले बैग में, और इसी में बदमाश से भिड़ंत में उन्होंने तमंचे से फायर कर दिया, जिसमें मृत्युंजय मिश्र को गोली लग गई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ ट्रामा सेंटर भेजा गया है। तीनों बदमाशों को भीड़ ने दौड़ा के पकड़ लिया। तीनों के कब्जे से एक तमंचा 315 बार और कारतूस बरामद हुए हैं। उनके पास से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। तीनों का उपचार चल रहा है, इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या भैया कुछ मामले सामने आ रहे हैं क्या? जो अभी तो पकड़े हुए 2 सगे भाई थे। हाँ, इसमें 2 सगे भाई हैं और उनका पुराना भी इतिहास रहा है, जिसमें उसके द्वारा खुद बताया गया कि पहले भी उसने लूटे की है। इस संबंध में और जानकारी आसपास के जनपदों से की जा रही है। ग्रेटर नोएडा की B2 थाना पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पकड़े गए आरोपियों के गिरोह के 3 साथी अभी भी फरार हैं। वहीं पुलिस ने पकड़े गए चोरों के कब्जे से चोरी की 17 मोटरसाइकिल बरामद की है। जानकारी के मुताबिक ये गिरोह चुराए गए वाहनों के इंजन और चेसिस नंबर बदलकर उन्हें बेच देते थे। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है।
तो शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। ग्रेटर नोएडा में बीटाडू पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और करीब करीब इनके पास से तमाम मोटरसाइकिल बरामद की है। दरअसल ये मोटरसाइकिल चोरी कर उनके नंबर बदल कर उन्हें बेच दिया करते थे। तो गिरोह के 9 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद हुई है। गाजीपुर के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते कई नदियां उफान पर आ गई हैं। वहीं गंगा नदी का जलस्तर भी अचानक से बढ़ने लगा है, जिसके चलते गंगा के तटवर्ती इलाकों में दहशत का माहौल है। जिले में शुक्रवार की सुबह 9 बजे गंगा 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ते हुए 62.400 मीटर तक पहुंच गई, जो कि अब खतरे के निशान से मात्र 70 सेंटीमीटर ही नीचे बह रही है। ऐसे में अगर इसी तरह गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो जल्द ही गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर लेगी और आसपास के इलाकों के गांव में तेजी से पानी भर जाएगा, जिससे वहां रहने वाले लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। वहीं जब इस मामले में प्रभारी जिलाधिकारी प्रकाश गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और इसको लेकर सभी इलाकों में, खासकर गंगा के कटान वाले इलाकों में, मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी और राजस्व विभाग के अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है और किसी भी आपदा की स्थिति के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जिलाधिकारी ने कहा है कि किसी भी तरह की जनधन का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें कि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में काफी दिक्कतों का सामना लोग कर रहे हैं। गंगा के जलस्तर में जो वृद्धि हो रही है उस पर लगातार जिला प्रशासन की नज़र बनी हुई है और जनपद के समस्त जिलाधिकारियों को, जो कि नदी के किनारे से संबंधित तहसीलें हैं, उनको भी सतर्क किया जा चुका है और बाढ़ चौकियों की स्थापना हुई है, जहां पर की कर्मचारियों की तैनाती की गई है। राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और अन्य विकास संबंधी विभाग जो हैं उनके संयुक्त रूप से कर्मचारी वहाँ पर बाढ़ चौकियों पर तैनात हैं और उनके द्वारा कोई भी ऐसी आकस्मिकता की स्थिति में जो निकटवर्ती ग्राम है या जो निकटवर्ती आबादी है उसको खाली कराने के निर्देश उनको दिए गए हैं। साथ ही जहां पर कटान हो रहा है वहां पे सिंचाई विभाग के और उपजिलाधिकारियों को भेजा गया है और वहां पे समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिए गए। बाराबंकी की टिकैतनगर पुलिस ने दुर्जनपुर गांव में अवैध कच्ची शराब की भट्टी पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से 90 लीटर अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। बाराबंकी का यह पूरा मामला है जहां पर अवैध कच्ची शराब की भट्टियों पर पुलिस ने कार्रवाई की। 90 लीटर शराब के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एटा के पिलुआ के गांव बनमई में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक युवक का शव घर की छत से बरामद हुआ। मृतक के परिजनों के मुताबिक युवक के गले पर चाकू के निशान मिले हैं। वहीं सूचना मिलते ही एडिशनल SP ओपी सिंह भी मौके पर पहुंचे और डॉग स्कैट को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। फिलहाल पुलिस मामले में हर पहलू से बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी मौत का कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं परिवार का भी रो रो कर बुरा हाल है। गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में वर्दी का कहर सर चढ़कर बोल रहा है, जहां एक कपड़ा व्यापारी को एक दारोगा ने अपना बकाया पैसा मांगना भारी पड़ गया। कपड़ा व्यापारी रोहित यादव ने बताया कि शाहपुर थाना इलाके में उसका कपड़ों का शोरूम है। उसने बताया कि जब दारोगा बल्लू सोनकर और उसके साथ का सिपाही राकेश कुमार शाहपुर थाने पर तैनात थे, तब वो अक्सर तनख्वाह आने पर पैसा देने की बात कहकर उसकी दुकान से उधार पर खरीदारी करते थे। रोहित बताता है कि दोनों की उधारी लगभग 48,000 तक पहुंच चुकी है। इसके बाद जब दारोगा उसके साथी सिपाही ने पैसे नहीं दिए तो रोहित ने इसकी शिकायत इंस्पेक्टर शाहपुर से कर दी, जिसके बाद दोनों ने 4,000 रुपए दिए और 44,000 फिर भी बाकी रह गए। इसके बाद दारोगा का तबादला कोतवाली थाने पर हो गया और वो बेनीगंज चौकी इंचार्ज बना दिए गए। इसी बीच रोहित की गाड़ी का मामला आया तो दारोगा ने उसको थाने पर बुलाया और उसका चालान कर पुरानी खुन्नस निकालते हुए हैवान बन गया और उसे इतना मारा कि वो अस्पताल में भर्ती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हुआ ये था कि बबलू सोनकर साहब और राकेश सिपाही मेरे शोरूम से कपड़ा ले जाते थे,
तो 6-7 बार 8 बार ले गए, जब पैसा मांगे तो कहें सैलरी आएगा तो दे देंगे। उसके बाद जब 8-8वां बार हो गया तो हम वहाँ पे कंप्लेन कर दिया सच्ची साहब को, कहाँ पे? शाहपुर थाने में, अरुण पवार साहब को। फिर वो हमारे शोरूम पे अरुण पवार साहब, राकेश सिपाही को बुलाए, वो कहने हम 2 ही बार ले गए हैं, तो हम क्या 2 ही बार का पैसा दे दीजिए, तो हमको खाली 4,000 रुपये दिए, जिसमें से 44,000 आदमी बाकी है। उसके बाद इनका ट्रांसफ़र हो गया कोतवाली में, बेनीगंज चौक इंचार्ज हो गए, पौनी के हमराए में ये हो गए राकेश कुमार। उसके बाद इधर 20 दिन पहले मेरी गाड़ी लूट हो गई, 2 लड़के लेके गए थे, 4-व्हीलर वाले से टच हो गया, वो सब मारे भी मेरे दोस्तों को और मेरी गाड़ी भी नीचे ले गए, तो विवेचना इनके हाथ में आया था। उसके बाद हमको थाने पे बोला तुम्हारी गाड़ी बरामद हो गई है और आके साइन कर दो, अपनी गाड़ी ले लो। उसके बाद हम थाने पे गए साइन करने, उसके बाद हमको बैठा लिए, उसके बाद रात भर टॉर्चर किए, बुरी तरीके से मारे। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन 151 में चलान करके हमको भेज दिए, हम अपना जमानत करा लिए। जालौन में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया और फिर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान जल मंत्री ने कहा कि योगी सरकार आपदा में लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है और जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। उन्होंने जिन ग्रामीणों को नुकसान हुआ है उनकी आर्थिक मदद करने की भी बात कही। इसके साथ ही जिले में NDRF, SDRF और सेना के कई जवान भी तैनात कर दिए गए हैं, जिससे किसी तरह की कोई अनहोनी होने से बचा जा सके। इसके साथ ही जिले में 20 बार चौकियां, 120 वोट और 35 गोताखोरों का भी प्रबंधन किया गया है। मंत्री कहते हैं कि किसी भी ग्रामीण को डरने की जरूरत नहीं है, सरकार सभी की हर संभव मदद करना चाह रही है और लगातार कर भी रही है। कानपुर देहात के सिकंदरा के दायतपुर गांव में एक 19 वर्षीय किशोरी पूनम ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि घटना सुबह की है, जब घर पर सभी लोग सो रहे थे। घटना का खुलासा तब हुआ जब परिजनों ने सुबह कमरे में जाकर देखा तो किशोरी का शव फांसी के फंदे पर लटक रहा था। वहीं परिजनों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि युवती ने खुदकुशी क्यों की है, क्या वजह है, कोई सुसाइड नोट भी उसके पास से बरामद नहीं हुआ है। काजगंज के सिड़पुरा के गांव हमीरपुर में एक रात में 2 घरों में घटी चोरी की वारदात से गांव में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक सतीश चंद और राघवेंद्र सिंह के मकान में रात लगभग 1 बजे चोरों ने मकान के ताले तोड़कर दोनों घरों से लाखों रुपए की नकदी और जेवरात के साथ कीमती सामान की चोरी की घटना को अंजाम दिया और मौके से रफू चक्कर हो गए। वही जब सुबह टूटे हुए ताले और खुले हुए दरवाजे ग्रामीणों ने देखे तब वारदात का पता चला। वही सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसके साथ ही थाना प्रभारी प्रेमपाल सिंह ने चोरी की घटना का जल्द खुलासा करने का आश्वासन भी दिया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।